जनपद पंचायत के ग्राम बालक पौड़ी में बने अधिकांश शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर खुला आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से गांव को ODF बनाकर उन्होंने लाखों रुपए हड़प लिए हैं और लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों से राशन वितरण में भी जमकर कालाबाजारी की जा रही है। शौचालय के लिए लाया गया लगभग 2 लाख रुपए का दरवाजा खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो गया है। शौचालय का सेप्टिक टैंक, ढक्कन और सीट पंचायत भवन में पड़े भवन की शोभा बना रहा है। और यहाँ पड़ा हुआ दरवाजा वाले को पंचायत में ही पड़ा हुआ है। पेमेंट आज तक ना आएगा, आएगा आएगा बोलते हुए आज तक नहीं आया पेमेंट। तो पैसा कब तक आएगा? भगवान जाने को। अपने अपने भी बनाए हैं सपन बोले कि नहीं चावल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, अगर ऐसी बोले हमको कि चावल नहीं देंगे, नहीं बनाओगे तो ऐसी करते हुए। हमारे गांव में हर चीज का दिक्कत होता है, कुछ भी चीज बोलते हैं वो तो पूरा करके देते नहीं है। और कभी उस दिन बोलते हैं, कभी उस दिन बोलते हैं, अभी बाथरूम का भी बात ले लो, बस खराब कर देंगे दरवाजा को बस। और उसमें कुछ चीज सुविधा नहीं है, न गड्ढा भी नहीं खोदाया है, तो उसमें का तो हम लोग इतना अभी कि पिछली बार हम लोग बना रहे थे, जैसा काम का सीजन आ गया, खेती का सीजन, काम करना बंद कर दिया, लोग निकलने बंद कर दिया, खेती बाड़ी में लग गए। उसके बाद से हम लोग दोबारा उस काम को शुरू नहीं कर पाए। सर दरवाजा बंद चुका है सर, दरवाजा सर रखा जा सकता है? हाँ, ये दरवाजा तो भी लगाए नहीं, करके इकट्ठे निकाले। डिंडोरी में अवैध ब्लास्टिंग करने का मामला सामने आया है। यहाँ नक्सल प्रभावित जिले